अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश चंद्र मित्तल जी, कार्यकारी अध्यक्ष प्रोफेसर देवी प्रसाद सिंह जी, उत्कल विश्वविद्यालय के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर ए नारायण राव जी, हमारे अखिल भारतीय विद्युत प्रमुख और नालंदा बौद्ध महाविहार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वैजनाथ लाभ जी, ICHR के माननीय सदस्य सचिव प्रोफेसर के रत्नम जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री और ICHR के सदस्य प्रोफेसर कोटरेस जी, एम कोटरेस जी, बहन सुष्मिता पांडे जी, और उद्घोषणा कर रहे ICHR के माननीय निदेशक डॉक्टर ओम जी उपाध्याय, सम्मुख बैठे हुए मैं देख रहा हूँ ICHR के मेंबर प्रोफेसर सुरजीत कौर जौली जी, प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा जी के अलावा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नहीं कह लें कर्नाटक तक, क्योंकि तमिलनाडु और केरल का प्रतिनिधित्व नहीं है, और गुजरात से लेकर के सुदूर मणिपुर तक पूरा लघु भारत सामने दिखाई दे रहा है। ऐसा सेमिनारों में बहुत कम देखने को मिलता है। सेमिनार कर्मकांड के विषय बनते चले जा रहे हैं, लेकिन एक प्रयास है और हमारे पीछे के बहुत बड़ी पीढ़ी, हमारे अखिल भारतीय टीम, हमारे प्रांतों की समितियां, हमारे जिला के संयोजक, हमारा महिला परिषद, हमारा वरिष्ठ इतिहासकार परिषद, हमारा युवा इतिहासकार परिषद, हमारा लेखक परिषद के अतिरिक्त छोटे मोटे सारे संस्थानों का अनवरत प्रयास का परिणाम है कि आज 150 से अधिक विदुषी मातृशक्ति एक विशेष विषय पर एकत्रित होकर और दो दिन का विमर्श को, दो दिन का चिंतन किया है। बाबा साहब आप्टे ने 1966 में एक बैठक में कहा था, उसमें की स्थिति ये थी कि हमारे बुलाने से कोई आता नहीं था और लोगों को लगता था कि इतिहास संकलन का मुहर लग जाएगा तो इंटरव्यू में हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, एक भय व्याप्त था। उसमें उन्होंने कहा था कि इतिहास के प्रोफेसर और स्कॉलर को जोड़ना हमारा काम तो है ही, साथ ही साथ समाज में इतिहास का बोध होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि देश की दुर्दशा का जो कारण है वो आत्मविस्मृति है, हम कौन हैं हम भूल गए हैं, और उसको भुलाने के लिए अंग्रेजों ने बड़ा प्रयास किया। 1813 के चार्टर्ड एक्ट में ये तय किया गया कि जब तक भारत के नैरेटिव और डिस्कोर्स को नहीं बदल देंगे तब तक भारत पर कॉलोनी बनाना, कॉलोनी स्थापित करना, उसको परमानेंट करना बहुत मुश्किल है। 8 दिन के मंथन के बाद इंग्लैंड के गवर्नमेंट ने यह तय किया, जिसका परिणाम हुआ 1813 में यह चार्टर्ड एक्ट था और 1833 में दोबारा चार्टर्ड एक्ट हुआ और 1835 में मैकाले ने अपना उद्गार व्यक्त किया, और जिसका परिणाम हुआ कि देश में इतिहास को योजनाबद्ध तरीके से डिस्टॉर्ट किया गया। आर्य बाहर से आए थे, सरस्वती नदी नहीं थी, यह गड़ियों का देश है, ये मूर्खों का देश है, ये टोना टोटका करने वालों का देश है, यहाँ महिलाओं को डायन कहने वाला देश है, यहाँ बाल विवाह होता है, यहाँ सती प्रथा होती है, अच्छा अच्छा काम कुछ भी नहीं होता। दुर्भाग्य ये रहा कि देश स्वतंत्र होने के बाद अपेक्षा थी, जैसा भग्नि निवेदिता ने कहा था कि देश स्वतंत्र होने के बाद आवश्यक है कि भारत के इतिहास के पुस्तकों को बंद कर दिया जाए,
और भारत के इतिहासकारों के द्वारा भारतीय एविडेंसेस पर भारतीय चैतन्य के प्रकाश में भारत के इतिहास की पुस्तकें जब तक प्रकाशित न हो जाए तब तक भारत के बच्चों को इतिहास न पढ़ाया जाए। विवेकानंद जी बड़ा उद्गार व्यक्त करते हैं, यहाँ तक कि महात्मा गांधी जी भी कहते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं, मदन मोहन मालवीय कहते हैं, उस समय के जितने पॉजिटिव हीरो थे हमारे, वो सबका ये विचार था, सबकी जानकारी थी और हम सबको भी इसकी जानकारी है कि भारत का इतिहास विकृत किया गया और विकृत करने की उनकी मोटिव था, उन्होंने किया। और उन्होंने हमारे सारे चारों प्रकार के स्तंभ जो था, धरती या हमारे नायक या हमारा संस्कार और हमारी भार्या अर्थात स्त्री, ये चारों पर आक्रमण करके चारों को का रूप विद्रुप्त किया। अपेक्षा थी कि स्वतंत्रता के बाद भारत का इतिहास का दर्शन भारतीय चित्त की प्रकाश में हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और भारत के स्वतंत्रता के बाद जितना डिस्टॉर्शन 1947 के पहले भारत का इतिहास का हुआ था, उससे 20 टाइम्स ज्यादा, 20 गुना ज्यादा डिस्टॉर्शन आजादी के बाद लोगों ने किया। अच्छे घरों में बैठने को मिल जाए, महंगे दारू पीने को मिल जाए और बच्चे का एडमिशन रूस में हो जाए, इस लालच से भारत के इतिहास के साथ अपघात लोगों ने किया। कल डीडी कौशाम्बी का नाम आया था, अगर भारत के इतिहास को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाया किसी ने तो उसमें एक नाम डीडी कौशाम्बी का है। मेरी बहन जी आई थी, उनका सम्मान करते हुए मैं कहता हूं कि राष्ट्रभक्तों का मंच है, अपडेट होकर आना चाहिए। यहां डॉक्टर भगवान सिंह ने अभी 2 साल पहले एक पुस्तक पब्लिश की है जो आर्यन पब्लिक बुक पब्लिकेशन से छपा है, और उन्होंने लिखा है डीडी कौशाम्बी एक विकृत इतिहासकार। शायद बहन के पास वो पुस्तक नहीं पहुंच पाई थी। हम बहुत ही सरल लोग हैं और बहुत ही सहिष्णु लोग हैं, उसी का परिणाम था कि हमारे बैनर पर भी कुछ ऐसे महिलाओं का चित्र लग गया था जिनका चेहरा देखकर पाप लगता है, जिन्होंने भारत के साथ अपघात किया है, भारतीय संस्कृति के साथ अपघात किया है, जिन्होंने पूज्या मातृशक्ति को भगया के रूप में परोसा है। ऐसे लोगों का भी चित्र हमारे सामने आया कि हम सहिष्णु हैं, और सहिष्णु ही नहीं है तो हमारी दृष्टि ही नहीं जाती। इसलिए आवश्यक था, आवश्यक है कि भारत के इतिहास भारतीय चैतन्य के प्रकाश में देखने की प्रवृत्ति हमारे अंदर आए। और देश के जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, जो स्कॉलर हैं, जो रिसर्च स्कॉलर हैं, उनके चित्त में उनके दर्शन उनकी दृष्टि भारतीय बने और भारतीय चैतन्य के प्रकाश में इतिहास का दर्शन करें, इतिहास को देखें, और उसके साथ ही साथ देश के अन्य जनमानस जो इतिहास से अपने को दूर कर लिया है और एक बड़ा शौक चल गया है कि इतिहास से क्या मतलब है। मैं 1857 पर बोलने के लिए गया था हिमाचल प्रदेश में, धूमल जी उस समय चीफ मिनिस्टर थे, हमारे एक अधिकारी इंद्रेश जी का भाषण था, बौद्धिक था, मेरा भी था, हम दोनों बोले, अंग्रेज जल्दी चले गए, मैं रुक गया। मेरे पास एक जी न्यूज के संवाददाता आए और उन्होंने बड़े तल्ख भाव में मुझे लेने का प्रयास किया और कहा कि भुखमरी इतनी ज्यादा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगार बहुत है, दुनिया कहाँ कहाँ चली रही है, चंद्रमा पर जाने की बात आ रही है और आप इतिहास गड़े मुर्दा उखाड़ने लगे हुए हैं, इससे क्या फायदा है। मुझे दुख हुआ कि हमको यही पढ़ाया गया कि इतिहास मतलब गड़ा मुर्दा उखाड़ना। मैंने उनसे पूछा, थोड़ा धैर्यपूर्वक पूछा और उनसे कहा कि भाई आप किस प्रेस के हैं, तो उन्होंने कहा मैं जी न्यूज़ का हूँ। हमने कहा कोई सबूत है, तो उन्होंने कार्ड निकाला तो हमने कहा कितना दिन पहले बना था, तो कहे 4 साल पहले बना था। हमने कहा ये इतिहास है कि आपको परिचय दिलाता है कि आप जी न्यूज़ के हैं, ये 4 साल पहले का जो इतिहास है जो आपको आइडेंटिफाई कर रहा है कि आप जी न्यूज़ के हैं। अगर इतिहास भूल गए तो आप किस न्यूज के हैं आपको स्वयं पता नहीं होगा और न ही कोई अपने घर में घुसने देगा।
मैं थोड़ा मजाक भी किया, हमने कहा अगर पत्नी भूल गई आपकी की शादी हुई थी तो भी इतिहास की बात है तो क्या होगा आपका। इतिहास को इतने हल्के में लिया गया और इतिहास को इतना निरस किया गया कि भारत के इतिहास में हम नहीं हैं। हम जब भारत का इतिहास पढ़ते तो हम है ही नहीं है उसमें, हम हैं तो ऐसा चित्र बना करके हैं जो देखने योग्य नहीं है। हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो वैदिक काल पढ़ते हैं, आज तक वो तय नहीं हो पाया कि पीरियड है कौन वैदिक काल, क्योंकि यूनेस्को ने कहा कि सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है और 10,000 पुराना हो सकता है, और बाइबिल कहता है कि 4,200 साल के पहले जीव था ही नहीं। तो वो इतिहासकार जो अपने को प्रगतिशील कहते हैं कि आप बाइबिल को नकारने की क्षमता उनकी है। आज राखीगढ़ी की खुदाई हो रहा है, तमाम जो हमारे आर्कोलॉजी के एविडेंसेस मिल रहे हैं वो 7,500 वर्ष पहले के जा रहे हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि हम इतिहास को उस दृष्टि से देखने का प्रयास करें। भारत के इतिहास में जब हम देखते हैं कि कोई बाहर से आता है, यहां पर आक्रमण करता है, वो विनर है, लेकिन यहां का धर्म अपना लेता है, कोई महावैष्णव हो जाता है, कोई महाशय हो जाता है, कोई महाबौद्ध हो जाता है। 17वीं-7वीं शताब्दी के पहले जितने महमदन आक्रमण के पहले के जितने इतिहास है, 7वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी के बीच में ये 400-500 साल तक क्या भारत स्वागत हो गया था, सो गया था क्या? ये दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर जो लाखों करोड़ों के हैं उनका निर्माण कब हुआ और किसने किया, इस सब का कोई इतिहास हमारे पास नहीं है। हम इतिहास पढ़ते हैं तो दिल्ली सेंटर के इतिहास पढ़ते हैं, एकदम से पढ़ते हैं कि मोहम्मद गोरी आया और पृथ्वीराज चौहान को हरा करके और राजा बन गया। 1191 का तराइन का युद्ध नहीं पढ़ते हम, जिसमें पृथ्वीराज अपमानित हुआ है और दस्तारे फरिश्ता को कोड करके अगर देखते हैं तो पूरा का पूरा दृष्टि है कि किस प्रकार से वो अपमानित होकर भागता है और पृथ्वीराज चौहान क्षमा करते हैं। 1191 नहीं पढ़ाया जाता, 1192 पढ़ाया जाता है, और तब से शुरू होता है कोई गुलाम वंश, कोई खिलजी वंश, कोई लोधी वंश, कोई सैयद वंश, कोई मुगल वंश, कोई इंग्लिश वंश, और वही पढ़ते पढ़ते फिर नेहरू वंश पर आकर टिक जाते हैं। न तो असम के अहोम राजाओं का इतिहास हमारे सामने है, न दक्षिण के कृष्णदेव राजा का इतिहास हमारे सामने है, हमारे शोक कोर्स में है। यहां तक कि आज जब कश्मीर के समस्या पर चर्चा होती है तो कश्मीर के विशेष विशेषज्ञ खोजे जाते हैं, क्योंकि हम कश्मीर के इतिहास नहीं जानते, हम गुजरात का इतिहास नहीं जानते, हम महाराष्ट्र का इतिहास नहीं जानते, हम राजस्थान का इतिहास नहीं जानते। हम जिन लोगों ने हमको पराजित किया, अपमानित किया, हमारे बहु बेटियों को मीना बाजार लगाकर बेचा, उनका इतिहास पढ़ते हैं, उसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिखता, वहां कहीं हम खड़े नहीं दिखते। इनकी प्लान थी कि इस प्रकार का एक हीन वांछिकता कैसे एस्टेब्लिश किया जाए, इसके लिए हमारे राष्ट्रभक्त इतिहासकारों ने एक बड़ा संच खड़ा किया और संच खड़ा करके एक संगठन का रूप दिया। हम एक संगठन के लोग बैठे हुए हैं, संगठन में और भीड़ में अंतर होता है। सिनेमा हॉल में लोग जाते हैं एक ही मानसिकता से जाते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, हीरो हीरोइन की कल्पना करते हुए जाते हैं, सबकी मानसिकता एक ही रहती है, बेस भी लगभग एक से जैसा ही रहता है, कुछ उल्टा सीधा, एक बराबर टिकट दे करके जाते हैं, एक टाइम से जाते हैं, एक टाइम तक बैठते हैं और एक टक लगाकर पर्दे पर देखते हैं, लेकिन वो संगठन नहीं होता। संगठन ये होता है कि छोटा भारत दिखाई दे रहा है, और कई बहनों ने कहा कि हमने कर्नाटक के लोगों से मिला, हम असम के लोगों से मिले, हम मणिपुर से लोगों से मिले, उनका वेश देखा, उनकी भाषा समझी, उनसे बातचीत किया, उनके काम को देखा, इस प्रकार का संगठन का अर्थ कोई बात ना हो, बीच में कुछ भी नहीं रहे, इस प्रकार एक परिवार का कॉन्सेप्ट खड़ा करने का विचार इतिहास संकलन योजना का पूर्वजों का, हमारे पूर्व काम करने वाले लोगों का था, और इसके लिए इन्होंने इतिहास को परिभाषित किया। यह कहा गया कि इतिहास में भारत में इतिहास का सेंस ही नहीं था, भारत लोग इतिहास जानते ही नहीं थे,
ईश्वरचंद्र विश्वकर्मा जी बैठे हुए हैं, उन्होंने प्रयास करके संस्कृत ग्रंथों से 40 परिभाषाएं निकाली हैं, संस्कृत ग्रंथों से, अथर्ववेद से लेकर सरक संहिता तक, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समझदाम इति वृत्तम कथा युक्तम इतिहास प्रशिक्षते की उद्घोषणा हमारा ऋषि करता है। सैकड़ों बार महाभारत में इतिहास शब्द का प्रयोग होता है, रामायण में होता है, वेद में होता है, उपनिषद में होता है, ब्राह्मण ग्रंथों में होता है। एक एक कदम पर इतिहास की बात आती है। यहां तक हमारा ऋषि कहता है कि पिछला पैर इतिहास है, अगला पैर भविष्य है। कल बहुत सुंदर परिभाषा साहित्य के रूप में हमारे राज्यपाल महोदया ने दिया था। ये कैसे दोनों के बीच की कड़ी है, अतीत को वर्तमान में जीवित रखने का नाम इतिहास है और उससे प्रेरणा लेकर हम आगे बढ़ते हैं। अगर पीछे का पैर मजबूत नहीं हो और विश्वास नहीं हो कि मजबूती से है तो अगला पैर डगमगा जाता है और डगमगाने वाला देश, डगमगाने वाला व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक समाज के लिए, प्रत्येक राष्ट्र और प्रत्येक देश के लिए कंपल्सरी सब्जेक्ट वह इतिहास होना चाहिए। लेकिन वह इतिहास हमको इससे विद्रुप्त किया गया कि हम केवल पराजितों का इतिहास, हम पराजित हैं, कहाँ कहाँ पराजित हुए, कहाँ कहाँ अपमानित हुए, क्या क्या ड्रॉबैक हमारा है। हमारे महिलाएं तो ऐसे होती हैं, हमारे महिलाएं ऐसी होती हैं, बाल विवाह हो जाता है, मरने के बाद जलते आग में झोंक दिया जाता है, शादी के बाद उनके साथ कुछ गलत हो, विधवा होने के बाद उनका कुछ, तमाम प्रकार के जो ड्रॉबैक कहीं दिखे होंगे, परिस्थितियां रहती हैं, परिस्थितियों के अनुसार हमारे ट्रेडिशन बनते हैं और बिगड़ते हैं। जो ट्रेडिशन बढ़ के आगे आते हैं वह स्थायी होते हैं, कभी सती प्रथा रही होगी, हो सकता है किसी कंडीशन, बहुत सारे पेपर आए थे इस पर चर्चा आप लोगों ने किया है, बाल विवाह का कंडीशन क्या रहा होगा, विधवा विवाह नहीं होने का क्या कंडीशन रहा होगा। लेकिन प्राचीन काल में हम देखते हैं तो ऐसा तो नहीं था कि बाली के मरने के बाद तारा का विवाह नहीं हुआ, रावण के मरने के बाद मंदोदरी का विवाह नहीं हुआ, दशरथ के मरने के बाद तीनों रानियां सती हो गई। ये कब की घटना है, ये कब शुरू हुआ? सीता धनुष उठाती है तब राम से विवाह होता है, स्वयंवर में चाहे वो दमयंती हो, चाहे द्रौपदी हो, चाहे वो गंधारी हो, चाहे वो कुंती हो, यहां तक मीरा तक आई है तो भी शादी की चर्चा तब होती है जब वो शादी करने के लिए सक्षम होती है। वो बाल विवाह कहां हुआ, कैसे हुआ, आज भी हो रहा है। लेकिन भारत के ड्रॉबैक को ओपन करके सामने ला करके देश को बदनाम करने का एक प्रयास कुछ उस समय के प्रगतिशील लोगों ने किया, आज भी ऐसे देशद्रोही प्रगतिशील लोग इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। उनसे इतिहास को बचाने का काम इतिहास संकलन योजना का है। ये अपने को प्रगतिशील के नाम पर केवल ड्रॉबैक को निकालना है, गलतियां और कमियां कहां हैं, समय के साथ सब ठीक होता है। कल बता रहे थे कि घूंघट में दादी थी, मां का घूंघट यहां तक था, अपने नहीं कहीं उनका घूंघट नहीं है। समय के साथ जो ट्रेडिशन गलत है, जिसकी आवश्यकता नहीं रह गई, मुगलों के आक्रमण के समय घूंघट की आवश्यकता राजस्थान में रही होगी, आज नहीं है। बुरखे की आवश्यकता है कि नहीं है ये समय तय करेगा। तलाक और हलाला की आवश्यकता थी या नहीं है वो समय ने तय किया। धारा 370 चाहिए नहीं चाहिए ये समय ने तय किया। तो समय के साथ सरकार और समाज विषय को बनाते हैं और उसके हिसाब से सभ्यता और संस्कृति में बदलाव, और संस्कृति में नहीं लेकिन परंपराओं में बदलाव आता है, और जो परंपरा श्रेष्ठ होती है ऊपर चढ़ती चली जाती है, और केवल भारत ही है उसको हाथ पसार के स्वीकार करता है। इसीलिए हम दीर्घजीवी हैं और लाखों वर्ष से जिंदा। हमने इतिहास को समझने का प्रयास किया, जिसको विद्रुप्त किया गया था, जिसको ओझल करने का प्रयास किया गया था। आप एक कोने में देखेंगे यहां पे एक इतिहास का एक चित्र बना है, हमारा लोगो है, इतिहास पुरुष कहा है उसको, श्री तत्वनिधि एक ग्रंथ है कर्नाटक में, उसके श्लोक के आधार पर उस चित्र को बनाया गया। वो जो पुरुष है हमारा इतिहास पुरुष, वो 12 अवतार है, वराह ने ही पृथ्वी को लेकर के आए थे, और वहां से वह 12 के स्वरूप के एक हमारे गाजियाबाद के चित्रकार ने उस श्लोक के आधार पर बनाया। इतिहास कुशाभास शुक्रा सयो महोदरा अक्षोत्रम घटम विभ्रत
पंकजा भरणानिता, वो भी इतिहास पुरुष बैठा कहाँ है? उसके हाथ में ज्ञान का, पवित्रता का कलश है, हाथ में माला है और बैठा कमल पर। इतिहास पुरुष का पेट बड़ा है, मुंह छोटा है, लेकिन बैठा है कमल के फूल पर, अर्थात वो कमल से भी कोमल है। इतिहास जब छेड़छाड़ होता है तो देश की आत्मा कराह उठती है। इसीलिए आवश्यक है कि उस बीते हुए समस्याओं को, विद्रुत किए हुए बातों को पुनः हम कैसे स्थापित कर सकते हैं, उसके साथ अपने को कैसे जोड़ सकते हैं। क्या 712 से लेकर के आज तक 2019 तक का ये संघर्ष, जो आज भी हम भारतीय और हिंदू अपने संस्कृति के नाते हाथ खड़ा होकर खड़े हुए, हमारे पूर्वजों ने कितना संघर्ष किया होगा, ये सारे लोग जानते हैं कि कितने मीना बाजार लगे, कितने बहनें बिकी, कितने, यही हैदराबाद है जहां नंगे बहनों का जुलूस निकला था और तलवार शरीर को काट दिया गया था। आज कश्मीर की बहनें आई हैं, जानती हैं कि 1989 में जो विद्रुप्त अवस्था कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था, लेकिन आज सब चीजें, वो संघर्ष चलता है, वर्षों के संघर्ष का परिणाम है कि आज भी हम 712 से हुआ आक्रमण, आज भी भारत जीवित है और भारत के रूप में जीवित है। इस प्रकार के इतिहास की रचना, स्वाभिमान पूर्वक इतिहास की रचना, स्वाभिमान पूर्ण इतिहास की रचना, ये करने की आवश्यकता है। हमारे संगठन का नाम इतिहास पुनर्लेखन समिति नहीं है, इतिहास संकलन समिति है, क्योंकि हमारा ज्ञान परंपरा समुद्र के समान फैला हुआ है। हमारे इतिहास विद्या में, हमारे वनवासियों में, हमारे पुराणों में, हमारे गांवों में, हमारे किसानों में, हमारे सैनिकों में, हमारे माँ के सिंदूर में, बिंदी में, दादी के झुरियों में, जो कथा कहानियों के माध्यम से इतिहास चलता है, वो हमारे पास है। ये बहुत बड़ी संपत्ति हमारे पास है। कल इतिहास को परिभाषित कितने सुंदर भाषाओं में मृदुला जी ने किया, कि किस प्रकार दादी की कहानियों से मैंने इतिहास सीखा। हमारे आख्यान, उपाख्यान, गाथा और कल्प के नाम से इतिहास को परिभाषित भी किया गया है। गाथा वो है जो हमने देखा है, हम देखते हैं वो, आख्यान वो है जो हम देखते हैं। आप बैठे हैं, हमको देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं। ऐसा हुआ, इतना बड़ा ये फलक बना हुआ था, मंच पर इतने लोग बने थे, इतने बहने भाई बैठे हुए थे, दो दिन समाज चला, इतने इतने विषय पर चर्चा हुई, आपने देखा, ये देखा, ये प्राइमरी सोर्स है आपका, ये इतिहास नहीं, ये वर्तमान है। लेकिन इसी को जब घर पे जाकर के अपने स्टूडेंट को बताएंगे कि कैसे कैसे हुआ, तो उसको कहेंगे आख्यान। आपने यहां देखकर वहां बताया तो यह आख्यान है, क्योंकि इसमें किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है, आपने देखा है, इतिहास का एक पक्ष है। लेकिन आपका स्टूडेंट जब अपने दोस्तों को बताएगा या अगली पीढ़ी में टीचर होने के बाद अगले क्लास में पढ़ाएगा, तो उसको कहेंगे उपाख्यान, क्योंकि उसमें कुछ अलंकार जोड़ेगा वो, कि हमारे टीचर ने हैदराबाद में गई थी, वहां से महिला इतिहासकार के सारे स्वरूप को देख के आई थी, उसमें इतना बड़ा ये फलक था कि जैसे 1 किलोमीटर लंबा चौड़ा हो, ऐसे चमकता था कि काला आदमी भी गोरा दिखाई देता था, ऐसा कुछ भी, उसको कहेंगे उपाख्यान। और वही जब चौथी पीढ़ी में जाएगी तो गाथा बन जाएगी और फिर कहानी बन जाएगी, जिसको आप मिस्ट्री कहते हैं या फिक्शन कहते हैं बाद में, लेकिन वो भी हमारा एक है। आज वो पांचवी पीढ़ी में जाएगी तो उसको एक पूजा के रूप में, जो फोटो खींच के ले जाएंगे आप, उसको पूजा के रूप में लगा देगा, पैसे वाला होगा तो राजस्थान से मूर्ति बनवा के लगा देगा और पूजा शुरू हो जाएगी। लेकिन वो मूर्ति, वो पूजा, वो सिंदूर, वो बिंदी, वो साड़ी का किनारा, वो पगड़ी, वो गमछा, वो झोला अनावश्यक नहीं है, उसके पीछे, उस कल्प के पीछे गाथा है, गाथा के पीछे उपाख्यान है, उपाख्यान के पीछे आख्यान है, और आख्यान को लोगों ने देखा है और जिया है। इसलिए हमारे दृष्टि से कोई मिथ नहीं होता। इन दुष्टों ने
जो अपने कहा उन्होंने कहा कि रियल है और जो आप कह रहे हैं वो मिथ है। रेंगशांग पाइयान इस देश में आते हैं, उनको न देश की भाषा मालूम है, न भाव मालूम है, न रास्ता मालूम है, न स्कूटर है, न साइकिल है, न घोड़ा है, न गधा, न हवाई जहाज, न रेल, कुछ भी नहीं था। लेकिन वो देख कर जो लिख गए वो ब्रह्म वाक्य मिल हो गया। हमारे तुलसी ने, हमारे कबीर ने, हमारे कालिदास ने, हमारे साहित्यकारों ने, हमारे व्यास ने, हमारे माताओं ने जो वर्षों से जिस ट्रेडिशन को लेकर आ रही हैं और जो लिख कर रखा है, प्रमाण सहित लिखा है, उसको कह दिया कि ये मिथक है, ये तो इतिहास का विषय नहीं। और हमने भी उसको सिर्फ धारण कर लिया, लंदन के बंदर के करके नकल, अकल बेचकर हमने खरीदी सकल। क्योंकि अंग्रेजी में लिखा है, फारसी में लिखा है, जर्मन में लिखा है, इसलिए वो गलत हो ही नहीं सकता। हमारा मलयालम में, हमारा तेलुगु में, हमारा तमिल में, हमारा संस्कृत में, हमारे कोंकणी में, हमारा राजस्थानी में, हमारे असमी में लिखे हुए हजारों ग्रंथ जो एविडेंस के साथ हैं, वो सारे के सारे मिथक कह दिए गए। इसीलिए आवश्यक है कि सोर्सेस कैसे हमने डेवलप करें। आज जब इतिहास पढ़ते समय इतिहास पढ़ने के साथ आवश्यक है कि हम इतिहासकार को पढ़ें, क्योंकि बिपिन चंद्रा जो किताब लिखेंगे तो वो भगत सिंह को आतंकवादी ही लिखेंगे, जो रोमिला थापर लिखेंगी तो भारत में दासी प्रथा ही दिखाई देगी उनको, वो धाय मां दिखाई नहीं देगी जो अपने बच्चे को बलिदान देकर और राजा के बच्चे को बचा लेती है, अपना दूध पिला करके और हजारों ऐसे नौजवान तैयार करती है, वो धाय मां नहीं दिखाई देगी, वो महिलाओं का कंट्रीब्यूशन दिखाई नहीं देगा, वो हाड़ा रानी का बलिदान दिखाई नहीं देगा, और पूरा रामचरित मानस पढ़ने के बाद एक भी चीज दिखाई नहीं देगा, केवल एक का चीज दिखाई देगा, ढोल का मार सुदर पर सुनारी, ये सब पीटन के अधिकारी, कूटन के अधिकारी, वो समझ में आएगा, क्योंकि उनकी दृष्टि भारतीय नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि भारतीय दृष्टि से देखने वाले इतिहासकारों की एक बड़ी सेना खड़ी किया जाए, एक परिवार बनाया खड़ा किया जाए। इसलिए पहला शर्त है कि इतिहास को देखने की दृष्टि हमारी भारतीय होनी चाहिए। हमारे इस परिवार में वही सम्मिलित होता है, जो हमारे परिवार में सम्मिलित होता है वह भारतीय दृष्टि से भारत का इतिहास को देखने के लिए तैयार होता है। हम यही अपेक्षा करते हैं। यूरोप के दृष्टि से भारत के इतिहास को नहीं देखा जा सकता, अमेरिका की दृष्टि से भारत के इतिहास को नहीं देखा जा सकता। हमारे देश में कुतिया भी छक कर दूध पिलाती है अपने बेटे को। अयोध्या में तो एक माँ अपने बेटे को दूध पिला रही है और बार बार दूध वो छोड़ दे रहा है तो कहती है पी ले बेटा पी ले। सुना है कि अयोध्या में विश्राम लेने वाले का मोक्ष हो जाता है, दोबारा जन्म नहीं होता, इसलिए बेटा मुझे माँ बनने का सौभाग्य दोबारा नहीं मिलेगा, मैं मुक्त हो जाऊंगी, इसलिए छक कर पी लो। लेकिन कृत्रिम प्रॉब्लम खड़ा करके अमेरिकन और यूरोपियन दृष्टि से भारत में स्तनपान दिवस पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। ये कृत्रिम प्रॉब्लम खड़े किए जा रहे हैं और उसका सलूशन ढूंढा जा रहा है और उसमें हमारी मातृशक्ति अपमानित होती है। इसलिए आवश्यक है कि भारत के इतिहास को भारतीय चैतन्य के प्रकाश में, भारतीय चित्त के प्रकाश में, भारतीय दृष्टि से देखने का एक वर्कशॉप हो, चिंतन बढ़े कि कैसे भारत में स्त्री और पुरुष अनुनाश्रित हैं। अभी एक बहन ने वहां एक उस बैठक बैठे तो कहा उन्होंने कि महिला तो पुरुष की क्रेडिट कार्ड है, तो मैंने कहा कि मेरा जीवन कैसे चलेगा, मेरे पास तो है ही नहीं क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड ही नहीं है वो, तो लक्ष्मी है वो, तो सब कुछ है पुरुष की। जैसे कहा बहन जी ने कल, मृदुला जी ने, कि ईश्वर ने बहुत बड़ा अपमानित किया है पुरुष को कि उसको मां बनने की अधिकार नहीं दिया, वंचित कर दिया इतने बड़े सुख से, वो अधिकार केवल मां को दिया। अलग अलग बांट कर देखना स्त्री पुरुष को, यह सिखाया है पश्चात संस्कृति ने, हमारे वहां कभी बांट कर देखने की बात नहीं हुई। जो प्रॉब्लम भी आ रहे हैं वो इसीलिए आ रहे हैं कि हम पश्चात दृष्टि से भारत के स्त्री को देखते हैं, मां को देखते हैं। मातृ प्रदारेषु की उद्घोषणा हमारे देश में ऋषियों ने किया है। इसीलिए भारत के चैतन्य के प्रकाश में इतिहास को देखना, जो शोध करते कराते हैं हम, उसका भी दृष्टि हमारी भारतीय होनी चाहिए।
समानता होता क्या है हमारे यहाँ शोध अब तक जो हुआ जो उन लोगों ने किया, मध्यकाल में महिलाओं की दुर्दशा, जो रोते हुए जाओगे तो मरने खबर लाओगे, जब दुर्दशा से शुरू करोगे तो उसका कंट्रीब्यूशन दिखाई नहीं देगा। लेकिन आज हमने चर्चा जो किया दो दिन में, ये कितनी पॉजिटिव चर्चा रही, आप कल्पना करो। माँ एक सृजक के रूप में, स्त्री एक सृजक के रूप में, एक कंट्रीब्यूटर के रूप में, एक सैनिक के रूप में, एक पर्वतारोही के रूप में, एक पायलट के रूप में, एक माँ के रूप में, एक रानी के रूप में हमने कल दर्शन किया है। कल से दो दिन में हमने किसी दासी और विद्रुप्त भाव में किसी माँ को नहीं देखा। पति ने कहा पत्नी से कि तुम मुझे धर्मपति क्यों नहीं कहती, तो उसने कहा कि तुम धर्म काम कभी करते नहीं। धर्म काम करना तो स्त्रियों की जिम्मे है, आपने देखा है कभी? ये सारा काम जो है, कल परसों एक जगह हम फूल सिंह कॉलेज में गए थे यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ कुछ महिला बहनों ने राखी बांधी और राखी बांध कर रक्षा करने के व्रत की बात कही। हमने कहा तो कभी हुआ ही नहीं है, किसी भाई ने कभी किसी बहन की रक्षा किया हो, किसी इतिहास का कोई एविडेंस बता दो। लेकिन विश्व एविडेंस ऐसा है कि बहनों ने भाई के हाथ में राखी बांध करके और उसकी रक्षा के व्रत भी लिए और रक्षा की भी है। और ये न मध्यो बलि राजा दानेन्द्रो महावला तेन्तवान प्रत्यक्ष माचला माचला, वो रक्षा बांध करके संकल्प लेते कि तुम्हें रक्षा करूंगी। और मैं यहां तक कहता हूं कि जिस कॉलेज में एक भाई का एक बहन पढ़ती हो वो भाई बिगड़ नहीं सकता, हमेशा उसको सांस अटकती कहीं बहन देख नहीं रही हो, इतना रखवाली करती है। ये सारे दृष्टि जो हमारे सामने आएंगी, जो पॉजिटिव दृष्टि से हम देखेंगे कि किस प्रकार पतन से पत्नी पति को बचाने का संकल्प बद्ध रहती है। और कृतज्ञ पति बार बार ये कहता है कि तुम धन्य हो कि तुम्हारे कारण से मैं अनेकों बार पतन से बच गया। यह जो सदरूप है, इस पर अगर पीएचडी कराते हैं हम लोग या करते हैं, भारतीय संस्कृति में ऋषिकाओं का योगदान, इस प्रकार के कुछ विषय खोज करके, भात्री मातृशक्ति, भाई बहन का संबंध, ऐसे खोजेंगे तो हजारों मिलेंगे। कैसे द्रौपदी कृष्ण को बचाती है, कैसे कैकेयी दशरथ को बचाती है, कैसे इंद्राणी इंद्र को बचाती है। मध्यकाल में आ गया कि पता नहीं कहां से एक फिक्शन शुरू हो गया, कहानी शुरू हो गई कि कोई रानी ने किसी मुसलमान राजा को राखी भेज दिया और वो कहा रक्षा करूंगा, ऐसा हो सकता है क्या? तो ये जो तोड़ फोड़ कर मिलाने वाली बात हमारे सामने आई, उसको छोड़कर जो रियल है उसको सामने लाया जाए, और जो भी रिसर्च हम करावें वो भारतीय चैतन्य के प्रकाश में हो, भारतीय चेतना में हो, उसमें मातृशक्ति का, बहन का, बेटी का, भाई का और हमारे कल्चर का पॉजिटिव चीज़ें जब जाएंगी तो पॉजिटिव निकल के आएंगी, निगेटिव से शुरू करेंगे तो निगेटिव ही आएगी हमारे सामने। इसलिए जब भी रिसर्च करें तो भारतीय दृष्टि से रिसर्च का टॉपिक तय किया जाए। जो बुक पब्लिश करें, जैसे अच्छी बुक पब्लिश हुई कल, विधि में महिलाओं का योगदान, बहुत लोगों ने हमको शिकायत की जो हमारे परिवार से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, जिनकी मानसिकता अभी आसमान से ऊपर ही रहती है, वो ये कहते हैं ये क्यों कर रहे हैं कि अलग अलग क्यों कर रहे हैं महिला पुरुष को। लेकिन मैं जानता हूं, मैंने अनुभव किया है 10-12 साल से काम करने के बाद, पिछले 2 सालों से शुरू किया है, जब मैं देश भर से कार्यकर्ता बुलाता हूं तो 5% महिलाएं आती हैं, और वो इसलिए आती हैं कि पति के साथ घूमने जाना है, और एक ही पेस्ट लेकर आती हैं क्योंकि पतदेव के ब्रश पर पेस्ट लगाएंगी तो ब्रश करने जाएंगे। मैं सोचता हूं कि अलग अलग रखा जाए दोनों को, तो नहीं नहीं एक ही पेस्ट है, हम कैसे अलग रह सकते हैं, अर्थात तो वो अटैच बन के आती है उनके साथ। इसलिए विचार आया कि स्वतंत्र भाव से बहनें इकट्ठा हों, अपने विचार को स्वतंत्र भाव से व्यक्त करें, और स्वतंत्र भाव से महिला पुरुष के अलग करने का अलग कॉन्सेप्ट हमारा है ही नहीं। लेकिन जिस प्रकार से वरिष्ठ इतिहासकार की बात मैंने कही, क्योंकि वरिष्ठ इतिहासकार और कनिष्ठ इतिहासकार, नया इतिहासकार में 2G और 5G का अंतर है। एक वरिष्ठ इतिहासकार हमारे साथ थे, बड़े वरिष्ठ हैं, राष्ट्रवादी भी हैं, और उन्होंने भाषण दिया, कहा कि या राष्ट्र शब्द का राष्ट्र शब्द तो फ्रेंच रिवोल्यूशन शुरू हुआ,
लेकिन आज जब गूगल पर सर्च करेंगे नए लड़के हैं वो पढ़ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि नहीं चाणक्य के बाद अशोक के पहले उसके बाद वेद में भी वयम राष्ट्र अहम राष्ट्रिम संगमणि की बात आती है, भूमि सूक्त की बात आती है, महाभारत में राष्ट्र राष्ट्र का ही बात आता है। और इस प्रकार से राष्ट्र तो चिर पुरातन शब्द है, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं आया। तो मैंने उनसे पूछा गुरु जी आपने ऐसा क्यों कहा कि फ्रेंच से आया, कहा 30 साल यही पढ़ा हूँ और 30 साल यही पढ़ाया हूँ, अब मेरी जीभ टूट नहीं सकती, मैं नहीं कह सकता कि 1857 प्रथम स्वतंत्र संग्राम था, मैं विद्रोह ही पढ़ाऊंगा। लेकिन उनके ज्ञान की समस्या नहीं है, उनका ज्ञान है और उसका लाभ हम उठाएंगे। इसीलिए अगर लड़कों को बड़े लोगों को साथ बैठाएंगे तो वो लाभ नहीं मिलने वाला है सेमिनार में, उनका स्तर दूसरा होता है, इनका दशा दूसरा होता है। इसीलिए युवा इतिहासकार की कल्पना की, वरिष्ठ इतिहासकार कल्पना की, बाद में समझ में आया कि वरिष्ठ इतिहासकार युवा इतिहासकार जब बुलाते हैं तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत कम होता है, और वो होता है अगर किसी की पत्नी इतिहासकार है तो आती है, न किसी का दोस्त इतिहासकार है तो आती है। इसीलिए आवश्यक है कि एक बार एक मंच बनाया जाए, और जो बनारस में किया तो बहुत अच्छी सफलता मिली, और पीछे बैठ कर सुनते हैं हम लोग जिस प्रकार के विदुषी विदुषियाँ अपनी बात को व्यक्त करती हैं, कल्पना नहीं किया जा सकता। और दुनिया में अब तक कोई महिलाओं का सेपरेट अधिवेशन नहीं हुआ, ये पहला दूसरा अधिवेशन है जो भारत में इतिहास संकलन योजना कर रहा है, जहाँ खुलकर अपनी बातें आप रख सकती हैं, कर सकती हैं। उसी प्रकार से जो लेखक परिषद हमारा है, जितने मास मीडिया है, सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, ये बहुत बड़ा इसमें भूमिका निभा रहा है। तुरंत समाचार 10,000 लोगों पास पहुंच जाता है। हम तो एक इतिहास की पुस्तक लिखते हैं, 500 छपता है और 25 साल में बिकता है, लेकिन 4 लाइन लिखा हुआ सोशल मीडिया पर 1 मिनट में 10,000 लोग 20,000 लोगों पर पहुंच जाता है। इसीलिए एक बड़ी टीम अपने में से खड़ी करनी है और खड़ी हो रही है कि ठीक प्रकार से, जैसे अभी 15 अगस्त पर एक आया मैप अखंड भारत का, उसमें लिखा है नेपाल 1904 में अलग हो गया। मैं नेपाल में रहा हूं, नेपाल के इतिहास से रूबरू हूँ, अलगते इतिहास भाषा जान छू, तो मैंने पढ़ना शुरू किया। हमने कहा अब उसको लोग लगातार फॉरवर्ड कर रहे हैं बिना देखे, उसी का परिणाम है कि हमारा जो इतिहास जो अमेरिका में छपा हुआ है भारत का नक्शा, उसमें गुलाम कश्मीर को भारत से बाहर निकाल रहा है, अखंड भारत दृष्टि नहीं, हम देख नहीं, हमारे अमेरिका में छपी हुई है, क्योंकि हमारी दृष्टि नहीं है उस तरह से, क्योंकि हम उसको फॉरवर्ड करते जाते हैं और वहीं से निकाल निकाल करके और छापते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। आवश्यकता है कि जो भी हमारे पास मैटर आ रहा है फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, तो उसको एक बार एनालिसिस करें, एक विद्वान के नाते, एक इतिहासकार के नाते, कि सही है कि नहीं है, नहीं सही है तो सही किया जाए, सही का फॉरवर्ड किया जाए। ऐसा एक टीम लेखक परिषद का, ऐसा युवा इतिहासकारों का, क्योंकि युवा इतिहासकार ही आगे करने वाले हैं, महिला इतिहासकार करने का एक और उद्देश्य है। आज सर्वे किया जाए तो भारतवर्ष में इतिहास पढ़ाने वाली जो संख्या है वो मेजॉरिटी में माता बहनों का है, महिला इतिहासकारों का है। इसलिए भी आवश्यक है कि उनके अंदर एक भाव ठीक से जाए, फुर्सत नहीं मिलता है, घर में बहुत काम रहता है। ये 2 दिन का समय आपको मिला है जहाँ बैठ करके आपने चिंतन किया है, नहीं तो घर जाते ही हम जानते हैं हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, खाना बनाने से लेकर के बच्चे पालन करने, पतिदेव को सुखी करने से लेकर के खुश करने से लेकर के सारा काम निपटाना रहता है, रिश्तेदारी अलग से है, पानी के बिल, बिजली के बिल के मेंटेन करना, सब कुछ करना रहता है। इसलिए 2 दिन बैठकर एक चिंतन करेंगे कि वास्तव में महिलाओं की दृष्टि से भारत का इतिहास क्या होगा। इसलिए 4 भागों में वरिष्ठ इतिहासकार, महिला इतिहासकार, युवा इतिहासकार और लेखक परिषद, ये 4 परिषद का निर्माण हमने किया है। इसके माध्यम से भारत का इतिहास हम जन जन तक कैसे ले जा सकते हैं। अब सोर्सेज की समस्या रहती है, सोर्सेज हमारे कहां से आए, सोर्सेज जो हमारे सामने हो डिस्टॉर्टेड हैं। हम जो रिसर्च करते हैं, हमारे लड़के रिसर्च स्कॉलर थोड़ा कम मेहनत करने के चक्कर में कोई पुरानी दूसरी पुस्तक के सारे बिब्लियोग्राफी लेकर उसे उठाकर प्रिंट कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं कॉपी करके, उसको देखते नहीं कहां से आया। एक गलती कहीं हुई है तो लगातार हो रही है, जैसे जननी जन्मभूमि से स्वर्गात अभिगरियसी, ये 5 वालूम हमारे पास रामायण का है, रामायण में नहीं है, लेकिन लोकमान तिलक तक के पुस्तक में है कि रामायण का है, ये हो सकता है बाद में उड़ गया हो। तो उसका ठीक एग्जामिन करना कि रेफरेंसेस कहां से ले रहे हैं।
अगर एग्जामिन करेगा लड़का विद्यार्थी तो वह उस बुक को टच करेगा एक बार, तो मूल टेक्स्ट को कैसे देख सकता है क्या वो उपनिषद को चाहे पुराण को किसी चीज को, मूल टेक्स्ट को देख करके हम अपने एविडेंसेस को कैसे पक्का कर सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हमारे इतिहास की परिभाषा के साथ साथ जो हिस्टोरियोग्राफी हमारी है, जो रिसर्च मेथोडोलॉजी हमारी है, जो इतिहास के सोर्सेज हैं, वो कैसे एस्टेब्लिश किया जाए। एक बहुत बड़ा सहयोग हमको आर्काइवल सोर्स से मिलता है। आर्काइव में हम देखते हैं सारे लाइब्रेरी बहुत सारी हैं, अगर परिश्रम किया जाए, मित्तल जी ने कल कहा था कि महात्मा गांधी जी पर 100 वॉल्यूम है, हजारों पेपर हैं, हजारों भाषण हैं, हजारों लोगों के क्रिटिक ग्रंथ हैं, लेकिन फिर भी महात्मा गांधी के चित्र सामने साफ नहीं दिखते। अब आज ही महात्मा गांधी के विषय में तरह तरह की बात करने वाले लोग हैं, क्योंकि सही पुस्तकें सही प्रकार से कैसे उसको हम ला सकते हैं। आर्कोलॉजी के सोर्सेज हमारे पास बहुत है, कोटरस जी बैठे हुए हैं, आर्कोलॉजी के आदमी हैं, उस पर सोर्सेज बदलते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन बदलता है। जैसे हड़प्पा के खुदाई में एक उसका चित्र मिलता है, पृष्ठ का, इतिहास के विद्यार्थी जानते होंगे, एक मिलता है सिर, कहते हैं पुजारी है वो, पृष्ठ है, लेकिन उसका बाल ऐसे कंब किया हुआ है, दाढ़ी भी कंब की गई है, मूंछ बड़े करीने से काटा हुआ है, यहाँ पर एक पट्टी बांधा है और पट्टी पीछे लटक रही है, और यहाँ कुछ हीरे जवाहरात का जगह भी दिखाई दे रहा है। ऐसा पुजारी तो नहीं होता, जो साल भी ओढ़ा है वो भी बूटीदार है, कढ़ाई वाला है। जब आजकल इतने एडवांस पुजारी ब्यूटी पार्लर में जाने वाले भी इतने ठीक नहीं हैं, तो उस समय कैसे होते होंगे। तो टी वी वर्मा साहब ने कहा ये पुजारी नहीं है, ये कुरु राजकुमार है, और इसीलिए मोहनजोदड़ो हड़प्पा का जो खुदाई 5000 पहले की मिली है, ये हो सकता है कि यह महाभारत कालीन हो और ये राजकुमार कोई है जिसका ये सिर मिला। तो इंटरप्रिटेशन जो हमारे बनते हैं, जो हमारे आर्कोलॉजिकल, उसको उस दृष्टि से, जब भारतीय दृष्टि से देखेंगे उसको। उन दूसरा भी कहा, एक ऐसे महिला का चित्र आता है, उसको कह दिया डांसिंग गर्ल, उसको वर्मा साहब कहते हैं कि नहीं, वो डांसिंग गर्ल नहीं हो सकती, वो अन्नपूर्णा हो सकती है, क्योंकि उसका चित्र ऐसे है, ऐसे हाथ से दे रही, और एक हाथ में चूड़ी एक हाथ में नहीं है, डांसिंग गर्ल के दोनों हाथ में चूड़ियाँ होती हैं, या उनका जो डेकोरेशन होता है सामान्य होता है, और इतना चूड़ी पहनकर कोई डांस नहीं करता, इतनी चूड़ी पहनी है वो हाथी दांत की। तो इंटरप्रिटेशन बदलने की आवश्यकता है उसको, जब तक हम डिस्कोर्स नहीं बदलेंगे तब तक इतिहास के ठीक दर्शन नहीं हो पाएंगे। इसलिए सोर्सेज इकट्ठा करते समय, चाहे आर्काइवल सोर्स हो उसका भी क्रॉस एग्जामिन, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हो उसका भी क्रॉस एग्जामिन कैसे कर सकते हैं। जो उन्होंने मिथ कह के बाहर किया, दुनिया के सबसे बड़ा स्रोत भारत का है वो, आप पुराण पढ़िए, आप वेद पढ़िए, पुराण ब्राह्मण ग्रंथ पढ़िए, आप आरण्यक पढ़िए, सब में जीवंत चीजें मिलती हैं। जब गरुड़ पुराण कहता है कि 12 प्रकार के पुत्र होते हैं, जिसमें 6 प्रकार के पुत्रों का दिया हुआ जल पितर को प्राप्त होता है, और भारत सरकार के संविधान में भी 6 प्रकार के पुत्रों को ही पिता के संपत्ति का अधिकारी माना जाता है। 8 प्रकार के विवाह की बात करते हैं, जिसमें 4 प्रकार के विवाह सिद्ध है और 4 निषिद्ध है, और भी बहुत सारे हैं, किस दिशा में बैठ करके खेती करना, किस दिशा में बैठ कर, किस मौसम में किस दिशा में बैठ कर अनाज डालना, बीज डालना, क्या करना, सब कुछ लिखा है। उसको मिथक और बकवास, जो नहीं समझ में आया उसको बकवास कर दिया, उन लोगों ने संस्कृत समझ नहीं आती थी, बकवास कर दिया, हमने भी सिर्फ रख दिया क्योंकि अंग्रेजी में कहा था। तो अपने जो मूल स्रोत हैं उसको देखने की आवश्यकता है। विवाह पद्धति हमारा है, 16 संस्कार हमारे हैं, उसके पीछे का क्या है, इन सारे चीजों को ठीक से देखकर इतिहास अंग बनाना चाहिए। लोक कला परंपरा और संस्कृति, लोकगीत, जैसे कल बुआ जी ने गाया था, तमाम गीत गाई थी, गीतों का जिस्ट बताया था, वो बोलता है, वो इतिहास के रेगुलरिटी को दिखाता है, वो कंटिन्यूटी को दिखाता है, कैसे सलग और निरंतर चलने वाली जो परंपरा का इतिहास हमारा हमारे सामने है। इसलिए सोर्सेज ढूंढते समय ओरल सोर्सेज के बड़ा जमाना आ गया है। आजकल हमारे
इस सरकार के आने के पहले जो भोजन पानी करने वाले लोग थे ओरल सोर्स से बहुत भोजन पानी किए हैं, डायरेक्टर साहब बैठे हुए हैं, करोड़ों रुपये टकार गए हैं ओरल सोर्स पर, ICHR का, ICPR का, ICSR का। लेकिन ओरल सोर्स का मतलब है कि इस गांव में मंदिर है, उस गांव के मंदिर के लोगों से पूछा जाए कहाँ मंदिर है, किसने बनाया, सबको याद है, सब जानते हैं, उसको लिपिबद्ध किया जाए। इसलिए सोर्सेज के माध्यम से हम कैसे उसको इकट्ठा कर सकते हैं। हमारे सोर्स का बहुत बड़ा स्रोत जो हमारे ये ग्रंथ हैं, इसके अलावा हमारे स्रोत का बहुत बड़ा स्रोत हमारे वनवासी बंधु हैं। आज भी वहाँ ट्रेडिशन जीवित है, कभी आप वनवासियों के यहाँ जाइए, मैंने वनवासियों का कार्यक्रम किया था, 190 प्रोफेसर हमारे उनके यहाँ रुके हुए थे, उनका जीवन, उनका हाव भाव, उनका अतिथि सत्कार, उनका पूजा का भाव, उनके जीवन की सादगी, उनकी आदमियत, उनकी महिलाओं के प्रति सम्मान, आज भी देश के बहुत सारी वनवासी जातियां, आदिवासी जातियां ऐसी हैं जहां लड़की देने वाला पिता पूज्य होता है और दामाद जो होते हैं वो जीवन भर अपने ससुर के सामने चरपाई पर नहीं बैठते, क्योंकि उन्होंने पुत्री को प्राप्त किया है। अकल बहुत अच्छी बात कही थी मृदुला जी ने कि यह शादी और कांटेक्ट और क्या क्या ये सब बकवास है, ये पाणी ग्रहण संस्कार है, और एक दूसरे को पाणी ग्रहण करते हैं, हाथ धार करते हैं और लेकर के दोनों शपथ लेते हैं कि हम कैसे जीवन बिताएंगे। उसमें दान कौन देता है, लड़की वाला दान देता है क्या, लड़की दान देने का विषय है क्या, लड़की कोई वस्तु है क्या? और 20 साल तक जो माँ अपने बेटे को गोद में पाल करके किसी स्त्री की छाया उसके ऊपर न पड़े, उस स्त्री को उठाकर दूसरे स्त्री गोद में बैठा देती है, वो उसका त्याग नहीं है क्या, उसका दान नहीं है क्या? ये दान नहीं है, हम तो कहते कि ईश्वर के बनाया हुआ एक परंपरा है, हमारा संस्कार है, विवाह संस्कार है। इस पर लिख सकते हैं क्या, 16 संस्कार पर इस पर समाज हमारा मिल सकता है क्या एविडेंस है? वनवासियों में आप जाएंगे तो देखेंगे किस प्रकार के उनका ट्रेडिशन प्राचीन काल से चलता आ रहा। हम गांव के इतिहास की बात करेंगे, हमारे गांव में हजारों मॉन्यूमेंट पड़े हुए हैं, हमारे आंखों से गुजरते हैं, हमको परवाह रहता है क्या? कल कोई आएगा, हरा चादर चढ़ाएगा, अगरबत्ती खोसेगा और कहा गया तोता मैना का मजार है। अगर पुलिस में जाएंगे, पुलिस का एविडेंसेज है, कुछ भी नहीं है, और फिर वहां पर एक मस्जिद बन जाएगी, कल कहेंगे कि नहीं तो पाकिस्तान हो गया, इसे छोड़ो, कहां तक छोड़ोगे, सब अपने भाई हैं। लेकिन अगर इस प्रकार से समस्याएं खड़ी होंगी, क्योंकि आपको अपने इतिहास के प्रति, इतिहास के धरोहर के प्रति आपके मन में दर्द ही नहीं है, तो अपने गांव के मंदिर, अपने गांव के मस्जिद, अपने गांव का गुरुद्वारा, अपने गांव का चर्च, अपने गांव का पुल, अपने गांव का कुआं, अपने गांव की बावड़ी, अपने गांव का किला, अपने गांव का टीला, अपने गांव के महापुरुष, अपने गांव के रिचुअल, अपने गांव का ट्रेडिशंस, अगर ये सब हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? केवल स्कूल में जाकर क्लास करना इतिहास का काम है क्या? इतिहास के प्रोफेसर विद्यार्थियों में काम इतना खत्म हो जाता है क्या कि कॉलेज में गए और लेक्चर दिए और चले आए? हम इस धरती के मट्टी चाट के बड़े हुए हैं, इसका ऋण हमारे ऊपर है। आवाज आप कहते कि हमारे इतिहासकारों ने कुछ नहीं किया पूर्व में, इसलिए इतिहास विकृत है, आने वाली पीढ़ी आपको कोसेगी। इसलिए उस गांव का इतिहास, अपने जिले का इतिहास कैसे बना सकते हैं? उसी प्रकार लगातार संघर्ष, हम जैसे पहले मैंने कहा लगातार संघर्ष हम करते आ रहे हैं, अब ऐसे संघर्ष के द्वारा जो संघर्ष का इतिहास है हमारे पास है क्या? विदेशी आक्रमणों का भारतीय प्रतिरोध का इतिहास हमारे पास है क्या? हम तो युद्ध में हार गए, जीत गए, हार गए, जीत गए, इसी में रह गए, वो राजा हुआ, उसके बाद वो राजा हुआ, उसके वो राजा हुआ, कैसे राजनीति पर प्रभाव पड़ा वो हम नहीं देखते। अगर रजिया सुल्ताना की बात कल आई थी, रजिया सुल्ताना अगर रानी बनी जो कुरान के आयतों के विरुद्ध है, कैसे बन गई वो? इसीलिए बनी कि उस पर भारत का प्रभाव हुआ, भारत में महारानी और रानी बनने की परंपरा है, इसलिए वो बनी और इसलिए हटी कि कठमुल्लों का षड्यंत्र हुआ और उस वीरंगना को हटाना पड़ा। इस दृष्टि से देख सकते हैं क्या हम रजिया सुल्ताना? ऐसे हजारों उदाहरण मिलेंगे आपको, ऐसे प्रतिरोध का इतिहास। आज दुनिया को सब कुछ देने वाले, समाज को सब कुछ देने वाला किसान,
जो सर्वदा है, सबको देता है, सबका भोजन पानी किसान चलाता है, वह किसान आत्महत्या कर रहा है, हाथ फैला के भिखारी बना हुआ है। कोई नेता आता है कहता है 6,000 देंगे, कोई नेता कहता है 72,000 देंगे। किसान की स्थिति हो गई, जो कहार को, कुहार को, लोहार को, बढ़ई को, पनेड़ी को, नाई को, ब्राह्मण को, सबको देता था और उसके उपज में सबका हक होता था, वो कौन सी परिस्थितियां हो गई जो गो आधारित कृषि थी और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। ऐसे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का इतिहास जो ऋग्वेद में मिलता है, हल की साइज और खेती की बात, और अब से रेगुलर जो चला रहा है, भारत कृषि प्रधान देश है, इसको नया डिस्कोर्स देने वाला कौन बताएगा? बाहर के लोगों ने हमारे नैरेटिव चेंज कर दिए, कथानक चेंज कर दिए, कुछ यहां भारत के लोग ने भी किया। लाभ जी बैठे हुए हैं, बुरा ना माने तो मैं बता दूं, राम रोम रोम में बैठने वाले हैं, इस देश के प्रत्येक रोम में राम का वास है। जब बहन जी कह रही थी कल बुआ जी कि हमारे यहां तौलने वाला भी कहता है रामे राम, रामे दो, रामे तीन, रामे चार, रामे पांच, रोम रोम में हर काम में राम है। उस राम को ऐतिहासिक बताया गया, ऐतिहासिक नहीं बताया गया तो नैरेटिव चेंज करने के लिए एक किताब लिखी गई, उसका नाम है दशरथ जातक, और उसमें लिखा गया कि दशरथ के तीन बच्चे थे, पंडित राम, पंडित लक्ष्मण, देवी सीता। दशरथ दूसरी शादी कर ली तो पहले शादी के बच्चों को जंगल में भेज दिया, और सीता और राम ने शादी कर लिया भाई बहन ने, ये दशरथ जातक में है। इसलिए कि चूंकि गौतम बुद्ध भी उसी वंश के थे, इक्ष्वाकु वंश के थे, अयोध्या के ही थे, उनको बड़ा करने के लिए राम को छोटा करना, वो शाक्य हो गए क्योंकि उन्होंने अपने संस्कार को बचा लिया, अपने बचाने में शक्य हो गए और राम छोटे हो जाए, ये तो छोटी बात है। लेकिन आप जानते हैं कि वेंडी डोनियर क्या कर रही हैं, उपेंद्र कौर क्या कर रही हैं, ये रोमिला थापर क्या कर रही हैं, ये जो पशु नारी हैं विश्व की, वो किस प्रकार नारी जाति को अपमानित करने का काम कर रही हैं। इसीलिए आवश्यक है कि सारे एविडेंसेस को ठीक प्रकार से हम कैसे, हमारा मोटिव है कि भारत का इतिहास भारतीय चैतन्य के प्रकाश में, भारतीय इतिहासकारों के द्वारा, भारतीय स्वाभिमान के लिए, भारतीय चैतन्य के प्रकाश में इतिहास को देखें, भारतीय चैतन्य के प्रकाश में शोध हो, भारतीय चैतन्य के प्रकाश में पुस्तकों का निर्माण हो, और भारतीय चैतन्य के प्रकाश में सिलेबस का निर्माण हो, जहां मत मातृवत प्रदारेषु की बात हो, जहां विश्व बंधुत्व की बात हो, विश्व कुटुंबकम की बात हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की बात हो। अगर एक ही मंत्र चालू हो गया मातृवत प्रदारेषु, तो दुनिया की बहुत बड़ी समस्या भारत की समाप्त हो सकती है। हमारे संस्कृति में, हमारे संस्कार में, हमारे इतिहास में इतना दम है, इतना यह प्रायोगिक इतिहास हमारा है कि हम दुनिया को दिशा दे सकते हैं, और इतिहास के माध्यम से हमने दुनिया को दिशा दिया है, हमने दुनिया को अंक दिया है। एक बहन ने साइंस का विषय में, मेडिकल के विषय में बताई, मेडिकल का हमने दुनिया को दिया है। जीवक नामक वैद्य उस जमाने में था, सुषेण उस जमाने में थे, चरक उस जमाने में थे, परमाणु से लेकर के, गणित से लेकर, पाई से लेकर, शून्य और दशमलव को मान दुनिया को बताने वाला देश था। वह इतिहास भूल करके हम अकबर बाबर की वंशावली रट रहे हैं, दशरथ राम और अज के बाद नहीं मालूम है कौन थे, मेरे पिता उनके पिता उसके बाद नहीं मालूम है, लेकिन मुगलों के वंशावली रट रट के इतिहास को नीरस बना दिया है हमने। ऐसे इतिहास को सरस बनाने का जो उपक्रम है वह है कि हम इस प्रकार के संगोष्ठियों के माध्यम से पूरे देश में जन जागृति लाएं, इनके माध्यम से स्कूलों में, कॉलेजों में, जहाँ जहाँ मोन्यूमेंट हैं वहाँ इतिहास दिवस के माध्यम से लोगों को इकट्ठा करके उनको इतिहास का अधिगम कराएं, इतिहास का बोध कराएं, इतिहास कितना महत्वपूर्ण विषय है इस पर चर्चा करें, बात करें, और साथ ही एक इतिहास संकलन योजना एक परिवार के रूप में हमारे सामने आवे। हमारे साथ रहने वाला कोई बहन जिसकी पीएचडी नहीं हो पा रही है, उसका दर्द उसके साथ रहने वाले टीचर को होना चाहिए कि 4 साल हो गया पीएचडी नहीं हुई इसकी, क्यों नहीं हुई? अगर उस टीचर को दर्द नहीं है तो परिवार नहीं हो सकता। कि आपके बेटी और बेटे का पीएचडी रुकी होती तो आपको नींद आती? रोज वैकेंसियां निकल रही हैं, अगर पीएचडी नहीं है तो नहीं नौकरी होगी। हमारे साथ रहने वाली बेटी कोई उसका नौकरी नहीं हो रही है, उसका कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्या उसकी तैयारी करवा पा रहे हैं? हमारे साथ रहने वाले किसी बहन का नेट नहीं हो रहा है, जीआरएफ नहीं हो रहा है, उसके साथ बैठ कर तैयारी करवा सकते हैं क्या? इस प्रकार एक परिवार भाव
पूरा देश में हम खड़ा करेंगे। और जिन अस्त्र से भारत के इतिहास को विद्रुप्त किया लोगों ने, और एक मलिच्छों का फौज खड़ा कर दिया दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक, उस सबको काउंटर करके एक सात्विक और अमृतस्य पुत्रा इस प्रकार के जो धारा है, ऐसे देवता के पुत्रों के समान इतिहासकारों का एक बहुत बड़ा फौज, जो बहनें भी होंगी, भाई भी होंगे और संपूर्ण समाज होगा, और उसके माध्यम से भारत को, भारत के इतिहास के माध्यम से भारत को परम वैभव ले जाने में, हम मार्ग प्रशस्त करने में सक्षम होंगे। यह उद्देश्य इतिहास संकलन योजना का है। महिलाओं के माध्यम से यह कार्य आगे बढ़े, इसलिए यह मातृ इतिहास सम्मेलन है। इसको अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है, इसको अलग देखने की आवश्यकता नहीं है। और जो प्रश्न खड़ा करे उसको मुँह तोड़ जवाब देने के लिए आप सक्षम हों। हमारी बात अब यहाँ समाप्त होती है, समय बहुत ज़्यादा हो गया है, बात तो बहुत करने का मन कर रहा है आप लोगों से, लेकिन फिर कभी मिलेंगे। धन्यवाद।